और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल पर हिजबुल्ला ने 100 मिसाइल यहां पर दागी है। 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाके में यहां पर दागे गए हैं और अपर गलीली में भी एक साथ 30 रॉकेट दागे गए हैं। IDF के मुताबिक सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, इसराइल पर हिजबुल्ला ने ये 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाकों में दागे गए हैं और अपर गलीली में भी एक साथ 30 रॉकेट दागे गए हैं। बीते दिन हमने देखा किस तरीके से ईरान की तरफ से यह हमला इसराइल पर किया गया था, लेकिन अब हिजबुल्ला भी एक बार फिर से यहां पर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, जहां पर 100 से ज्यादा रॉकेट उसकी ओर से दागे गए हैं। मात्र 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाके में दागे गए हैं और अपर गलीली में भी 30 रॉकेट यहां पर दागे गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये 100 रॉकेट हिजबुल्ला की ओर से दागे गए हैं। और हाल ही में इसराइल ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को भी खत्म किया था। लगातार वो इसराइल के टारगेट पर था और ऐसे में इसराइल का मकसद था किसी भी तरीके से ईरान को कमजोर करना। और ईरान तभी कमजोर होता जब उसके तमाम जो इस तरीके से के सहयोगी संगठन हैं, चाहे वो कुछ फोर्सेस हो या फिर जिस तरीके से हिजबुल्ला का साथ उसको हमेशा से मिलता आया है और हिजबुल्ला का गठन खुद ईरान ने ही किया था, तो ऐसे में यहाँ पर उसको खत्म करने का एक मकसद लेकर इसराइल लगातार आगे चल रहा है। और इसराइल ने साफ ये भी कहा है कि अब उस पर भी हमले उसकी ओर से किए जाएंगे, जगह और समय वो तय करेगा।